भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा, इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम न मम, हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यम हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः, हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम, हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अप्पदिवो भव, हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विन्दते महत, हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोक हितम मम करणीयम, जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह नई संसद एक नई ऊर्जा और नई मजबूती प्रदान करेगी। हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। एक राष्ट्र के रूप में हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। अगले 25 वर्षों में
संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस संसद में बनने वाले कानून देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है संसद का यह नया भवन नए भारत के सृजन का आधार बनेगा। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत। मैं समस्त भारतवासियों को नए संसद भवन की फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, गणमान्य अतिथिगण, भारत की संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारने के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्बोधन के साथ, और जिसमें उन्होंने जो मुख्य बात कही वो ये कही कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि ये नया संसद भवन अमृतकाल में देशवासियों की तरफ से देश को दिया गया तोहफा। उन्होंने कहा कि संसद में इस स्वर्णिम क्षण की हर एक भारतवासी को बधाई। 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है ये नई इमारत। विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता ये हमारे लोकतंत्र का मंदिर। सफलता हासिल करने की दिशा में पहला कदम है सफलता का विश्वास, और आने वाले 25 सालों में देश को विकसित बनाने के लिए हर एक भारतवासी को इसी विश्वास के साथ काम करना होगा। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ, नीति को निर्माण, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का आधार बनेगा। ये नए भवन, इस नए भवन के जरिए आत्मनिर्भर भारत के नए सूर्य का साक्षी विश्व बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, और उससे पहले आपने देखा दो लघु फिल्में भी। ये दूसरा चरण था आज के संसद भवन की इस नई इमारत के लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान। दो चरणों में कार्यक्रम हुए, मन की बात से पहले और उसके बाद। पहले आपने देखा पूजा अर्चना, हवन पूजन, सेंगोल की स्थापना, और उसके बाद आपने देखा ये कार्यक्रम जो अभी प्रधानमंत्री के उद्बोधन के साथ पूरा हुआ। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं एक बार फिर से। दुष्यंत नागर हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं,
अवनिजेश जी हमारे साथ मौजूद होंगे, यहाँ अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा मौजूद हैं प्रभात जी जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इस भाषण की सबसे अहम बात, दो बातें आप सबके मुताबिक एक राउंड में ये समझना चाहता हूं अवधेश जी, वो दो बातें जो खास तौर से उल्लेखनीय लगी आप। नहीं, वैसे तो आपने जब दो बातें कही है, दो बातें गिराना कहती, इतना ही है कि ये जो हमारे भारत की प्राचीन विरासत है, ये राष्ट्र की, ये लोकतंत्र की विरासत हमारी थी, उसका स्वरूप भले अलग हो, और जो हमको भविष्य की महाशक्ति बनना है तो वो अमेरिका यूरोप की तरह क्रूर महाशक्ति नहीं बनके उन्हीं विरासत पर जिसमें संपूर्ण विश्व और मानवता के कल्याण का भाव है, और यही भाव इस संसद से निकल के जाए, ये हम लोगों को साकार करना है। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, जो सबसे अहम बात इस भाषण की जो मुझे लगता है जो कही गई वो एक्चुअली नहीं कही गई, विपक्ष को लेकर कहीं कोई बात नहीं हुई, ये सबसे सबसे अहम बात। संगीत रागी जी, मुझे लगता है कि ये अवसर नहीं था, ये अवसर ऐसा नहीं था जो एक राजनीतिक छींटा किसी हो, और जब किसी के बारे में आप नहीं बोलते हैं तो आप बहुत कुछ कह जाते हैं। ये अपने आप में है कि विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो कहने के लायक भी नहीं, वो टिप्पणी के लायक भी नहीं, वो टिप्पणी के लिए लायक भी नहीं। और ये जो नवीन, देखिए देखिए आप भारत से, क्या वो कविता मैं सुना लूं अपने दर्शकों को? वो जरा कविता जिसको खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए चुना, वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आजादी का ये अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है, आजादी का ये अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है, इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। आजादी का यह अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है, आजादी का यह अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, और इस पर टिप्पणी हम ले रहे हैं अपने इन मेहमानों की जिन्होंने अपने अपने नजरिए से उस उद्बोधन को और इस पूरे कार्यक्रम को देखा है। संगीत रागी जी, आपकी कोई बात रह गई थी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने जब फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था उस समय भी कहा था कि प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम होगा,
और उस बात को उन्होंने आज भी दोहराया। साथ एक और बातें बहुत गंभीर कही जो आपको बंकिम और विवेकानंद में दिखता है, वो आपको राजा राम मोहन राय में नहीं दिखेगा। भारत को भारत की दृष्टि से देखना, भारत को आप पश्चिम के इडियम्स पे, पश्चिम के प्रतिमानों में आप फिट करके भारत की परिभाषा नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के दिन में कहा जाता है ग्लोबल पावर जी, ताकत हमारी भाषा नहीं है, विश्व गुरु हमारी भाषा है। तो आप भारत को यदि ये कहते हैं, जैसे तुरंत हमने देखा कि जैसे ही कल सेंगोल की बात आई, राजसत्ता ये वो लोग कहते हैं जिनको भारत की प्राचीन ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है। हम बता दें, एक छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं, आज तक दुनिया में 150 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट छापे गए हैं, यानी पुस्तकें, और प्राचीन ग्रीक के पास मात्र 13,000 एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट था। भारत के पास आपको अंदाजा नहीं होगा 4 मिलियन यानी 40 लाख एंसेंट मैन्युस्क्रिप्ट है, 4 लाख जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो आपने शॉर्ट फिल्म जो देखी होगी और जो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया, एक सियासी खबर आ रही है सर, वो बता दूं, दो सेकंड में सिर्फ बोल दूं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो ऐसे ही नहीं कहा था। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं कहा था सर। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। उन्होंने क्या किया है वो मैं आगे आपको दिखाता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है, यहां कद की तुलना की गई है, ये जवाहरलाल नेहरू बनाए गए हैं, और वो देखिए जो एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा कोई व्यक्ति, वो असल में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और वो बताया गया है कि देखिए प्रधानमंत्री का कद जवाहरलाल नेहरू की तुलना में ये है। प्रभात जी, इस तरह की तुलना ठीक लग रही है आप? हम तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, शायद एक चीज भूल गए। इस पर टिप्पणी करेंगे पहले, मैं अभी आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। कल पुण्यतिथि थी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए ये तुलना है। मुझे कोई आपत्ति नहीं इन बातों से, रह गई ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी जस्ट की खबर है। वैसे पंडित नेहरू का कद बहुत बड़ा था, है और रहेगा, नहीं तो ये इस तरीके से दिखाया जाएगा। ना 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 ना, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया बताइए ना। आप ही की बात पे आ रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा आपकी बातों से, ना मुद्दों से भागता हूं मैं। जब ये अभी जिस मुद्दे पर मुझे बुलाया गया है, दो पंक्तियां रागी जी बोले, हमारे प्रोफेसर साहब बोले, दो पंक्तियां मैं भी बोल दूं सर, इस पर बोल लीजिए, उसके बाद आपको 10 पंक्तियां दूंगा मैं, इस पर पहले बोल दीजिए। मैं इसी पे आ रहा हूं, मेरी सारे वक्तव्य इसी पे आके रुकेंगे, आप इंतजार तो कर लो, 2 मिनट दे दो आप। जो सेंगोंग की बात हो रही थी, एक प्रतीक की बात हो रही थी, शायद रागी साहब या आप भी गए होंगे, हमारे इंडिया गेट के आसपास जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा है। जानते हैं हमारे देश का पहला नाम क्या था? जम्बूद्वीप। प्रमाण मैं दे सकता हूं इसका, जब हम प्रथम पूज्य पूरी कथा सुनाकर आप आएंगे। अरे सुन तो लो आप, उसी पे आ रहा हूं, गणपति आ रहा हूं, पहले पूरी कहानी सुना दूंगा, जम्बू द्वीप पे भारत खंडे सब कर दूंगा, उसके बाद नहीं नहीं, ये तुलना ठीक है क्या, ये बताइए आप। अरे तुलना करना ही नहीं है, तुलना करना गलत हुआ ना, जो हुआ नेहरू का कद इतना बड़ा, ये आप ये कह रहे हैं गलत हुआ ना? अरे बिल्कुल तुलना नहीं करनी चाहिए। दुष्यंत जी नहीं, देखिए वो कह चुके कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने जो बात कही है। वैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कल प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि थी, जिन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी के लिए एक लंबा समय जेल में गुजारा। अवश्य उनका, उनके किए हुए कार्यों का, उनकी सरकार ने जो विकास के कार्य किए, जो नींव भारत की रखी, उनका हक बनता था, उनकी चर्चा होनी चाहिए थी, और सिर्फ नेहरू जी की नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा हर एक 67 साल हर एक प्रधानमंत्री का देश के विकास में योगदान है, ये तो बात कई बार कही गई। देखिए 67 साल में मोदी जी ने 9 वर्ष के अपने कार्यकाल की बात, उन्होंने शौचालय